तो इसलिए अधिकारी बिल्कुल सीधे काम करता है। और अधिकारी को अधिकार कुछ नहीं है, बस टैक्स इकट्ठा करो, खजाने में भरो, तुम्हारा कमीशन लेके तुम्हारे घर रखो, बाकी सरकार का। और सरकार क्या करती है, उसको संभाल के रखती है, जरूरत आपको पड़ी तो दोबारा दे देती है। तो जनता इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि उन देशों में कभी भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होता है, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। टैक्स के मामले में इन सब देशों में सारा काम बहुत स्मूथली चलता है। आपने कभी अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि जर्मनी के व्यापारियों ने बंद किया, पिछले 50 साल में तो मैंने किसी अखबार में नहीं देखा। मेरी उम्र हालांकि 50 साल नहीं है, लेकिन उसके मेरी उम्र के पहले भी जो जर्मनी से आने वाले समाचार पत्र हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि जर्मनी के व्यापारियों ने बंद किया सरकार के विरोध में, या जर्मनी के उद्योगपतियों ने कभी बंद किया, या फ्रांस के व्यापारियों ने बंद किया। वहां बंद होते हैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा कभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति बहुत खुश हैं। खुश होने के कारण है, बिल्कुल सीधे सीधे कारण। कई देशों में तो अद्भुत है कि वहां क्या होता है कि दो ही टैक्स है, एक तो वैट है और एक इनकम टैक्स है। और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां इनकम टैक्स भी नहीं है, खाली एक ही टैक्स है, वैट। जैसे स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, वहां इनकम टैक्स भी नहीं, खाली वैट है। लग्जमबर्ग नाम का एक देश है, वहां इनकम टैक्स नहीं है, खाली वैट है। पनामा नाम का एक देश है, वहां इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है। तो बहुत सारे देशों में इनकम टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है। और कुछ देशों में इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वैट है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इन दो के अलावा एक और टैक्स है, तीसरा, वो है कस्टम ड्यूटी। बस तो अधिक से अधिक तीन और कम से कम एक टैक्स इन देशों में है जहां पर वैट है। भारत देश में अधिक से अधिक टैक्स अगर मैं जोड़ दूं तो 43, अधिक से 43, और कम से कम की यहां कोई व्यवस्था नहीं है हिंदुस्तान की। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत में वैट आएगा या आ गया है, तो इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं? सबसे बड़ा दुष्परिणाम, चीजें महंगी होंगी, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजें बहुत सारे हाथों से गुजरती है, तो सामान्य रूप से वैल्यू एडिशन होता रहता है, मूल्य वर्धन होता रहता है, इसलिए वैट बार बार आने वाले, तो चीजें महंगी होंगी। दूसरा, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो इतना ज्यादा बेईमान और भ्रष्टाचार है, उसको इतने अधिकार मिले जा रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला है। माने भ्रष्टाचार अब इतना बढ़ेगा इस देश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरा सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होने वाला है कि भारत देश में सरकार ये कह रही है कि 10 लाख रुपए से कम का व्यापार करने वालों को वैट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उनको वैट का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरना है लेकिन रिटर्न फाइल करना है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, भले आप इनकम टैक्स पे नहीं करें लेकिन रिटर्न फाइल करिए टाइम से, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो जुर्माना। अब देखिए कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी, 80% व्यापारी ऐसे हैं जो साल में 10 लाख रुपए से कम का व्यापार करते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, चाट पकौड़ी का ठेला लगाने वाले, दाल बेचने वाले, आटा बेचने वाले, चावल बेचने वाले, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे गांव गांव में हैं, शहरों में हैं, ये 10 लाख से कम का व्यापार करने वाले 80% हैं। इन सबको वैट का रिटर्न फाइल करना। अब कहां रिटर्न फाइल करें, किसके पास जाएं, किसको पूछें, उनको कोई बताने वाला नहीं। और अगर नहीं फाइल करेंगे तो जुर्माना। तो अब होगा क्या कि ये वैट ऑफिसर इनको चूसेंगे। अब आप जरा कल्पना करो, भिलाई शहर में कोई सड़क पर मान लीजिए पानी पूरी बेचता है, दही बड़े बेचता है, मनोड़ी बेचता है, उसको जाके पूछो कि तुमको अभी थोड़े दिन के बाद वैट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो आपका मुंह देखेगा ऊपर से नीचे तक, ये क्या है वैट रिटर्न, क्या होता है? उसको कोई बताने नहीं गया, लेकिन आफत उसके ऊपर आने वाली है थोड़े दिन। कब आएगी? अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने थोड़े दिन के लिए कहा है कि हम वैट को सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन रद्द नहीं कर रहे, थोड़े दिन बाद लगा सकते हैं।
तो यहां लग गया तो छोटे छोटे व्यापारियों के सामने तो मरने की हालत है। बड़े व्यापारी भी मरेंगे लेकिन छोटे पहले मरेंगे। बड़े कैसे मरेंगे? आप वैट फाइल कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, वैट रिटर्न भी आपको भरने हैं। तो वैट रिटर्न भरने का मतलब है कि आप अपनी थोड़ी भी इनकम छुपा नहीं सकते, और इनकम नहीं छुपा सकते तो इनकम टैक्स वाले तैयार बैठे हैं आपकी गर्दन दबोचने के लिए। तो इधर आप वैट भरिए, उधर से इनकम टैक्स की रेड के लिए तैयार रहिए। और हिंदुस्तान की सरकार ये जो कहती है कि वैट आने से ब्लैक मनी छुप नहीं पाएगा, ठीक है, वो इसलिए नहीं छुप पाएगा कि हर एक रिटर्न फाइल करने वाला आदमी जब वैट का रिटर्न फाइल करेगा तो ऑफिसर को अंदाजा तो लग ही जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। रिटर्न आप जो फाइल कर रहे हैं उसमें सेल आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट भी दिखाने पड़ेंगे, इनकम का अंदाजा लग जाएगा। इनकम का अंदाजा लग जाएगा तो इनकम टैक्स आपसे वसूला जाएगा। तो सरकार इस उम्मीद में है कि ब्लैक मनी आप छुपा नहीं पाएंगे। और फिर इसमें क्या होगा कि अगर ब्लैक मनी आप नहीं छुपा पाएंगे तो भारत में बहुत तकलीफ आने वाली है। तकलीफ क्या आने वाली है? तकलीफ ये आने वाली है कि भारत की 80% सामाजिक गतिविधि ब्लैक मनी से ही चलती है, सरकार नहीं चलाती इस देश में, ये देश तो ब्लैक मनी पे ही चलता है। और मेरा इस पर अध्ययन है और मैं किसी से भी बात कर सकता हूं इस विषय पर कि अगर ब्लैक मनी नहीं हो तो ये देश नहीं चल सकता। कैसे? हिंदुस्तान में 1,30,00,000 मठ और मंदिर है, उनमें जैन धर्म वाले भी हैं, बौद्ध धर्म वाले भी हैं, सिख धर्म के गुरुद्वारे हैं, मुसलमान धर्म के ये मस्जिदें हैं, ईसाई धर्म के गिरजाघर हैं, 1,30,000। इन सबको चलाने में ब्लैक मनी ही काम आता है। कोई हिंदुस्तान की सरकार कोई मंदिर चलाती है क्या? हिंदुस्तान की सरकार तो इतनी हरामखोर है कि मंदिरों में आने वाली रकम भी ले लेती है। जैसे आपको मालूम है जम्मू काश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी रकम सरकार ने लेना शुरू कर दिया। पहले ये कहा था कि मंदिर के विकास के लिए इस्तेमाल होंगे, अब धीरे धीरे मंदिर का विकास तो रुक गया है और रकम जम्मू कश्मीर की सरकार के खजाने में जा रही है। ऐसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी के मंदिर की रकम को तो चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया। ऐसे दक्षिण भारत में गोवायूर मंदिर है केरल, उसकी रकम को केरल सरकार इस्तेमाल करती है। सरकार मंदिरों को देती कुछ नहीं, जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है, दान आ रहा है, उस पर भी उनकी गिद्ध नजर लगी हुई है। और अब सरकार एक बहस चला रही है कि क्यों नहीं सारे मंदिरों की रकम को लेने का अधिकार सरकार को हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि सरकारों को मालूम है कि मंदिरों में आने वाला पैसा बहुत है, चाहे वो जैन मंदिर में हो चाहे दूसरे मंदिरों में। अब मंदिरों में जो पैसा दान में चढ़ाया जाता है ये सब ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी से वो मंदिर चल रहे हैं। मंदिरों के साथ साधु संतों की व्यवस्था हो रही है। भारत में लगभग 1.5 करोड़ साधु संत हैं, हाँ 1.5 करोड़ सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिनकी पूरी व्यवस्था इसी ब्लैक मनी से चलती है। सरकार किसी संत को तनख्वाह नहीं देती, फिर भी संत जो रहते हैं वो सरकार के किसी अधिकारी से ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताते हैं। कई संतों का आप रहन सहन अगर देखोगे तो एयर कंडीशनर गाड़ियों से लाइन लगी है, एयर कंडीशनर में सोते हैं, हवाई जहाजों में कथाएं कहते हैं, हवाई जहाजों में ट्रेवल करते हैं। तो संतों का जीवन सरकार के किसी नेता की जिंदगी से कम नहीं है, लेकिन इतना खर्चा जो उनकी जिंदगी में हो रहा है वो सब ब्लैक मनी का है। तो ब्लैक मनी से मंदिर चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं, हमारे देश की पूरी धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसी ब्लैक मनी से उन मंदिरों के द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, उन मंदिरों के द्वारा धर्मशालाएं चलाई जा रही हैं, उन मंदिरों के द्वारा हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं, उन मंदिरों के द्वारा पानी के कुएं खोदे जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं, बावड़ियां बनाई जा रही हैं, कई गांव में सड़कें बन रही हैं और कई कई गांव में गरीब बहनों के विवाह भी किए जा रहे हैं। उसी तरह से माने वो सब ब्लैक मनी का है।
हिंदुस्तान की सरकार कब हिंदुस्तान की गरीब बेटियों की विवाह करने के लिए पैसा देती है बजट से? कब हिंदुस्तान की सरकार मंदिरों के रख रखाव के लिए खर्चा करती है? कुछ नहीं करती। मंदिर उल्टे समाज के बहुत सारे काम करते हैं। तो मंदिरों के माध्यम से समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। और हिंदुस्तान में विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, संस्कार होते हैं। 16 संस्कार इस देश में होते हैं सामान्य रूप से। इन संस्कारों पर होने वाला सारा का सारा खर्च वो भी ब्लैक मनी का है। और उन संस्कारों के माध्यम से होने वाला खर्च भारत के कारीगर समाज के लिए बहुत बड़ा बाजार बनाता है। जैसे हमारे देश में यज्ञ होते हैं समय समय, तो यज्ञों में क्या होता है, घी चढ़ता है, घी की आहुति होती है, और फिर जो उसमें यज्ञ सामग्री है, तो यज्ञ सामग्री बनाने वाले लोगों को रोजगार तो यज्ञों से ही मिला हुआ है। और घी का बिजनेस करने वालों का सबसे अधिक घी तो यज्ञों में बिकता है हर साल। खाने में इतना घी काम नहीं आता, उससे ज्यादा यज्ञ में काम आता है इस देश में। अगर मान लो यज्ञ होना बंद हो जाए तो सारे पशु पालक भूखे मर जाए जो घी बनाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किसानों की जिंदगी भूखे होने की आ जाए मौलत। और ऐसे ही जब यज्ञ होते हैं तो नए कपड़े खरीद कर उसमें स्वाहा किए जाते हैं, आहुति में डाले जाते हैं, तो कपड़ा बनाने वाले कारीगरों को रोजगार मिला हुआ है। और यज्ञ का नियम है कि हाथ का बनाया हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल होता है। तो लाखों जुलाहे यज्ञ में दान जाने वाले कपड़ों के आधार पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। ऐसे ही जब यज्ञ होते हैं तो आपने देखा है 10-12 दिन के लिए बाजार लग जाता है वहां। तो जो भी ग्रामीण भाग की जनता आती है उसमें से हजारों रुपए के सामान खरीदती है, वो मार्केट जो चलता है वो भी ब्लैक मनी से चलता है। या हमारे गांव में 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। हर संस्कार में आप ध्यान दो तो समझ में आएगा किसी न किसी कारीगर के लिए मार्केट बनाने की व्यवस्था संस्कारों के माध्यम से ही हो रही है। मृत्यु संस्कार की कल्पना करें, सबसे आखिरी संस्कार। तो मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को अंतिम यात्रा में क्या क्या लगता है? नया कपड़ा चाहिए, नया ही क्यों चाहिए, पुराना भी लग सकता है। घर में तो पुरानी धोतियां पड़ी रहती हैं, लेकिन नियम है कि नया कपड़ा ही चाहिए और जुलाहे के हाथ का ही चाहिए। माने जुलाहा जो कपड़ा बुन रहा है ये तो पक्का है कि लोगों के मरने पर उसका 2-3 मीटर कपड़ा तो बिकेगा। और हर साल अगर 1 करोड़ लोग मर रहे हों तो 2.5-3 करोड़ मीटर कपड़े की तो पक्की व्यवस्था है। इसी तरह जन्म लेने के समय बच्चे के लिए नए कपड़े चाहिए तो वो भी जुलाहे ही लेके आता है। फिर बच्चे के नाम से कपड़े दान दिए जाते हैं, वो भी जुलाहे के ही होते हैं। बंगिन को दान दिया जाता है, इनको दिया जाता है, तो वो भी एक पक्की व्यवस्था है। ऐसे ही मरते हुए आदमी की अंतिम यात्रा में मिट्टी का घड़ा चाहिए, वो भी नया चाहिए, जिसमें अग्नि रख के ले जाई जाती है। पुराने घड़े से काम क्यों नहीं चला लेते? अगर पुराने घड़े से काम चलाएंगे तो कारीगर का बिकेगा क्या? तो घड़ा भी बिकता है उसमें, लकड़ी भी बिकती है उसमें। तो लकड़ी बेचने वाले को रोजगार है, घड़ा बनाने वाले को रोजगार है, कपड़ा बनाने वाले को रोजगार है। फिर वो ठटरी जो बांधते हैं, आखिर बांस का काम करने वाले को भी तो रोजगार। माने हिंदुस्तान में 16 संस्कारों की जो व्यवस्था है वास्तव में वो मार्केटिंग सिस्टम है, वो मार्केट बनाने का है। वरना ये संस्कारों में खाली मंत्र पढ़ दिए जाएं और कुछ ना किया जाए तो भी चल सकता है। ना कपड़ा मंगाओ, ना घड़ा मंगाओ, ना बर्तन मंगाओ, ना कुछ करो, ना कुछ करो, बस मंत्र पढ़ लो। खाली मंत्र पढ़ने से मार्केट नहीं बनता है, पूजा तो हो जाती है, बाजार तो नहीं बनता, माल तो नहीं बिका कारीगर का। और भारतीय समाज में ये माना जाता है कि कारीगर वर्ग का माल बिकता रहे तो समाज जिंदा रहे, क्योंकि 35% हमारे देश की आबादी कारीगर वर्ग से आती है, 70% आबादी किसान लगभग, उसमें से 15% कॉमन है। कॉमन है माने किसान भी है कारीगर भी, और बाकी निखालिस है, 20% एकदम निखालिस कारीगर है। तो किसान के बाद कारीगर वर्ग है, इसकी व्यवस्था तब चलेगी जब इसके द्वारा बनाई गई चीजें बिकती रहें। शादियों में भी ऐसे ही होता है,
शादियों का जो संस्कार है उसमें मंगलसूत्र आना तो कंपलसरी है, बिना मंगलसूत्र के शादी नहीं होगी। कम से कम किसी सुनार को तो काम दिया, कारीगर को तो काम मिला। और ऐसे ही जन्म के समय बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके गले में सोने की चेन डालना तो कंपलसरी है, माने किसी सुनार को फिर काम मिला। शादी के समय, जन्म के समय और मृत्यु के समय भी देखा है कि सुनार का कुछ न कुछ लगता है, मरने वाले आदमी के साथ भी। तो सुनारों के लिए, लोहारों के लिए, कुम्हारों के लिए, जुलाहों के लिए, ये जो हमारे यहाँ कारीगर वर्ग रहा है, 12-13 तरह के कारीगर हर गांव में रहे हैं, इनकी व्यवस्था चलती है वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी से चलती है। ये सारे काम ब्लैक मनी से होते हैं। किसी के घर में जन्मदिन का फंक्शन ब्लैक मनी से होता है, किसी की बेटी की शादी ब्लैक मनी से होती है, बेटे की शादी ब्लैक मनी से होती है, बेटी बेटी की शादी में किस किस को क्या क्या रोजगार मिलता है, दरी बिछाने वाले को, चदरा लाने वाले को, माइक चलाने वाले को, बिजली लगाने वाले को और खाना खिलाने वाले को, किस किस को क्या क्या रोजगार बनता। तो ये जो सामाजिक गतिविधियां चलती हैं हमारे देश में, ये सरकार को चला नहीं पाती। सरकार की तो दम भी नहीं है, सरकार को इतनी दम नहीं है कि हिंदुस्तान की सब बेटियों की शादी करा सके लड़का, उतने में खजाना खाली हो जाए। ये तो समाज की ताकत है जो हर साल करोड़ों बेटियों की शादी कराता है या करोड़ों बेटों की शादी कराता है। तो शादी हो, ब्याह हो, बरात हो, मुंडन हो, संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बाजार बनाने के लिए इस देश में है। ऐसे ही नहीं है, जिसको हम कर्मकांड कह के गाली देते हैं वो कर्मकांड नहीं है, वो मार्केटिंग सिस्टम। हमने अच्छा मार्केटिंग सिस्टम विकसित किया है अपने देश में, और ऐसा अद्भुत मार्केटिंग सिस्टम दुनिया के किसी देश में नहीं। तो ये जो मार्केटिंग सिस्टम है जो सरकार से अलग है, ये पूरा ब्लैक मनी से चलता है। अब सरकार क्या कहती है, जी ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो ये सब सिस्टम टूट जाएगा। और ये सिस्टम टूट गया तो कितनी भयंकर बेरोजगारी होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो आज बेरोजगारी है उससे भी 10 गुनी ज्यादा बेरोजगारी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी है वो सरकार से ज्यादा पावरफुल है और सरकार से ज्यादा अच्छी है। इसका माने ब्लैक मनी की इकोनॉमी चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो देश में। अगर मंदिर इस देश के खत्म हो गए तो आप सोच नहीं सकते, इस देश में इतनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि कोई मिलिट्री और कोई पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर सकती। मंदिरों ने, मठों ने इस देश के आधे से ज्यादा झगड़ों को अदालत में जाने से रोका हुआ है, आधे से ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों के पास जाता रहता हूं, अक्सर उनके यहां मैं भीड़ देखता हूं। दो भाई हैं, झगड़ा कर लिया, आपस में आ गए, महात्मा जी कुछ फैसला कर दीजिए। बाप बेटे आ गए, महात्मा जी फैसला कर दीजिए, साधु जी फैसला कर दीजिए। अब महात्मा जी जो फैसले करते हैं रोज रोज, वो अद्भुत है। अगर ये सब मुकदमे अदालतों में चले जाए तो अदालतों में बैठ जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की अदालतों में 4.5 करोड़ मुकदमे पिछले 20 साल से पेंडिंग है, उनको वो हल नहीं कर पा रहे हैं। रोज रोज नए नए मुकदमे पहुंचना शुरू हो गए तो बैठ जाए, इनके बस का नहीं। ऐसे ही ज्यादातर महात्मा जी अदालतें लगाते हैं, माने इनफॉर्मल फैसले कराते हैं ना, वो अदालतें ही लगाना हुआ। और बहुत सारे महात्मा इलाज करते हैं, गुरु जी ये बीमारी है, गुरु जी वो बीमारी, अच्छा तुलसी का पाउडर खा लेना, तो इसका नमक में मिला के पी लेना, तो इसका ये कर लेना। तो ये जो नुस्खे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, ये महात्मा लोग ही बताते, डॉक्टरों के बस का नहीं है सबको चिकित्सा दे पाना इस देश में। भारत में 10 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और 103 करोड़ मरीज हैं, हिसाब लगा लो। डॉक्टर पागल हो जाएगा इलाज करते करते अगर सब उसी के पास पहुंचने लगे। और गांव के लोग तो महात्मा जी के ही पास जाते हैं, डॉक्टर के पास तो तब आते हैं जब बात बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाए या बिगड़ जाए। छोटे मोटे काम के लिए तो महात्मा जी जिंदाबाद है। और महात्मा जी को लोग इसलिए पाले हुए हैं कि उनके न्याय का काम कर रहे हैं, चिकित्सा का काम कर रहे हैं, और जब उनके दिमाग में कोई भ्रम पैदा होता है तो महात्मा जी उसका निवारण करते हैं। ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है।
तो बहुत बड़ी व्यवस्था इन मंदिरों के माध्यम से, मठों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से चल रही है। इसमें कुछ अपवाद भी है, कुछ महात्मा दूषित हो गए हैं, खराब हो गए हैं, वो तो दुनिया के हर देश में अपवाद होते हैं, कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती है, लेकिन समाज में चलाने में इनकी बड़ी भूमिका है। अगर ये ब्लैक मनी खत्म हुई तो ये सब व्यवस्था टूटेगी। सरकार की दम नहीं है जो इसको चला सके, सरकार की तो इतनी दम नहीं है कि जो उसके अपने निमित्त कर्तव्य हैं उनको पूरा कर सके। नई जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात, सरकार को 6,30,000 गांव में पीने का पानी देना है, आजादी के 57 साल के बाद भी नहीं दे पाए, अभी तक 3 लाख गांव में ही पीने का पानी, बिजली नहीं दे पाए हैं सब गांव में, चलने के लिए सड़क नहीं बना पाए, स्कूल नहीं खोल पाए हैं, पाठशालाएं नहीं बना पाए, तो सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य तो कर नहीं पा रही है, ये नए काम और उसके ऊपर आ गए तो वो तो नहीं कर। तो हिंदुस्तान तो चल रहा है ब्लैक मनी से, व्यवस्थाएं तो उसी से ठीक हैं, अगर ये खत्म करने की ताकत सरकार ने लगाई तो देश खत्म होगा। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा है, दूसरे देशों में नहीं, यूरोप में तो कहीं नहीं। यूरोप में न कोई महात्मा होता है, न कोई साधु होता है, न कोई संत होता है, न कोई मठ में जाता है, गिरजाघर में भी मुश्किल से जाते हैं साल में एक आध बार, वो भी ऐसे नाम करने के लिए चले जाते हैं, कोई दिल से श्रद्धा है इसलिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां की समाज व्यवस्था तो पूरी तरह से सरकार आधारित है, यहां की समाज व्यवस्था सरकार आधारित नहीं है, हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था स्वयं पर आधारित है और वो चल रही है ब्लैक मनी से। अगर ये ब्लैक मनी खत्म हुआ तो ये सारी व्यवस्था टूटेगी। कैसे टूटेगी? व्यापारियों से सरकार ने चूस चूस के ज्यादा लेना शुरू किया टैक्स के रूप में, तो व्यापारी दान कम देंगे और वो दान कम देंगे तो मंदिरों में रकम कम हो जाएगी, तो मंदिरों के द्वारा जो काम चल रहे हैं देश भर के वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पैसा तो उतना ही है, चाहे सरकार खींच के ले जाए, चाहे व्यापारी औद्योगिक समाज देश के समाज के लिए खर्च कर दे। अगर वो देश समाज के लिए खर्च करता है तो सार्थक है, सरकारों को दे दे तो कोई गारंटी नहीं है कि सरकार उस पैसे से अपने हर्ट का ऑपरेशन नहीं कराए। सरकार से मतलब नेता, नेताओं में तो इतनी बेशर्मी आ गई है उस देश में कि जनता के खून पसीने की टैक्स के कमाई के पैसे से अपनी व्यक्तिगत जिंदगी चलाते हैं। अगर किसी नेता का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया तो सीधे जनता के टैक्स के पैसे से हवाई जहाज लेता है, चार्टर्ड फ्लाइट लेता है, सीधे अमरीका ह्यूस्टन जाता है, ब्लड प्रेशर चेक करा के वापस आता है, और ऑपरेशन कराना हो तो लंदन जाता है, कुछ कराना हो तो सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। सभी नेता ये करते हैं इस देश में, अपवाद एक भी नहीं है इस समय। और अगर नहीं जाना संभव हो तो विदेशी डॉक्टरों को बुला लेता है कि भाई तुम करो मेरे ऑपरेशन, हालांकि देश में डॉक्टर मौजूद है, सब कुछ है। तो नेताओं की आदत हो गई है खराब, और इसलिए भी जनता कभी पूछती नहीं है, सीधी सादी भूली भाली है, वरना इस देश की जनता जूता लेके खड़ी हो जाए नेताओं के पीछे कि हमने पिछले साल इतना टैक्स का पैसा दिया था, बताओ क्या किया तुमने। और नेता भी इतने बेशर्म है कि जनता के टैक्स के पैसे से जो संसद चलती है उस संसद का क्या हाल बना रखा है वो आप देखो, रोज का संसद पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए खर्च होता है, और जो हालत संसद की है वो आपकी आंखों के सामने, विधानसभाओं की जो स्थिति है वो आपकी आंखों के सामने। तो इतनी खराब व्यवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार के पास जाना ये सबसे खतरनाक है। अगर हमारी सरकारें यूरोप जैसे देशों की हो, जैसे वहां की सरकार टैक्स का पैसा इकट्ठा करती है, जरूरत पड़ने पर वापस देती है, ऐसे अगर भारत की सरकार हो तब तो ठीक है, या सरकार कम से कम टैक्स लेती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास छोड़ती है, तब तो ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार लेती जाए और वो इकट्ठा होता रहे दिल्ली में या राज्यों की राजधानी में, तो वो देश के लिए बहुत खराब है। इसलिए वैट कानून जैसे खतरनाक नए नए जो टैक्स के कानून आ रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। व्यापारी विरोध कर रहे हैं, उद्योगपति विरोध कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है, जनता को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा बोझा उनके सिर पे पड़ेगा। व्यापारी क्या करेगा? टैक्स लगेगा वो तो जनता से निकाल लेगा, सामान की कीमत बढ़ा देगा वो लोगों से वसूल लेगा, लोग मरेंगे। जो वस्तु आज आपको 1.25 रुपए में मिल रही है, वैट लगने के बाद वो 1.5-2 रुपए की हो जाए या 2.5-3 रुपए की हो जाए, तकलीफ तो आपको होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में
वैट का कानून आया तो गैस के लिए है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ जो देने वाला है ये कानून वो यही है कि समाज में जो खर्च होने वाला पैसा है उसका कमी होती जाए, सरकार के पास पैसा ज्यादा पहुंचता जाए, सरकार और निरंकुश होती जाए और अत्याचारी होती जाए और तकलीफ देती जाए इस देश में। चाणक्य कहता था कि राजा जितना उदार हो उतना ही कम टैक्स, और राजा जितना खराब हो उतना ही ज्यादा टैक्स। तो उसने ये परिभाषा दिया था कि भारत के किसी भी राजा को 5% से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, कुल उत्पादन का 5%, जीडीपी का 5%। और आज हिंदुस्तान में वैट वगैरह शामिल होने के बाद जीडीपी का 25-30% तक टैक्स होने जा रहा है। तो ये एक तरह का अत्याचार है। अत्याचार क्या है? आपके ऊपर ज्यादा टैक्स का लग जाना माने आपकी रियल इनकम का कम हो जाना, आपके ऊपर ज्यादा टैक्स का लग जाना माने आपके द्वारा सामानों के उपभोग में कटौती होते जाना, माने जो चीज जितनी महंगी होती जाएगी आप उसका उतना कम उपभोग करेंगे, माने अपनी जिंदगी को कटक के साथ बिताएंगे और सरकार को पैसा देते जाएंगे टैक्स। और वो कैसे कसक होती है? जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहे हैं, अब तो सरकार ने क्या किया है, वैट में दाल चावल चना मटर गेहूं, गेहूं का आटा, चने का आटा, मटर का आटा, सबको वैट पे डाल दिया। बहुत सारी चीजें उस पर कभी टैक्स नहीं था इनमें से, तब इतनी महंगी है कि हिंदुस्तान का हर आदमी दाल नहीं खा सकता, ये स्थिति है। अब वैट आने के बाद तो थोड़ा सा ही वर्ग है जो दाल खा सके, बाकी वर्ग तो चावल और नमक से ही अपना गुजारा करे, क्योंकि दाल में बहुत वैल्यू एडिशन होता है तो टैक्स भी बहुत बार लगेगा। तो साधारण साधारण चीजों पे टैक्स बढ़ते जाना माने उपभोग में कमी आना, उपभोग में कमी आना माने लोगों की पोषकता कम होते जाना, माने लोगों की कमजोरी बढ़ते जाना, माने लोगों के काम करने की ताकत कम होते जाना, माने लोगों का उत्पादन कम होते जाना और अंत में नुकसान देश का। आज हिंदुस्तान में साधारण लोग जब गांव-गांव घूमते हैं मेरे जैसे, तो किसानों से एक बात सुनने को मिलती है, आपने भी सुना होगा, आजकल मेहनत नहीं होती ज्यादा। कहते हैं ना किसान, पहले हम बहुत मेहनत कर लेते थे, आजकल मेहनत नहीं कर पाते। उसका उनका दर्द समझने की कोशिश करिए, उनका खाना पीना बहुत कम हो गया है, जितनी पोषकता का भोजन उनको मिलना चाहिए वो मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। साधारण रूप से हिंदुस्तान के 44-45 करोड़ लोग तो या तो चावल और नमक खाते हैं या तो रोटी और नमक प्याज खाते हैं, 44 करोड़ लोग इस देश में। माने उनको खाने में जो पोषकता चाहिए, दाल की, सब्जी की, दूध की, दही की, मट्टे की, सलाद की, वो सब खत्म हो गई है, तो मेहनत करें कैसे? हिम्मत ही नहीं होती मेहनत करने की। दूध मिलता नहीं पीने के लिए, सब दूध शहरों में चला जाता है, शहरों से डेयरियों में चला जाता है, डेयरियां दूध का पाउडर बनाती है, पाउडर से एक्सपोर्ट होने लगता है, या उस दूध से आइसक्रीम बनने लगती है, या दूध से चॉकलेट बनने लगती है, साधारण आदमी का पीने का दूध लगातार कम होता जा रहा है, साधारण आदमी की दाल की खपत हर साल कम हो रही है, सब्जी की खपत कम हो रही है, दही की खपत कम हो गई है, मट्ठे की खपत कम हो गई है। और कई बार हमको जो दिखाती है ना सरकार, भारत में दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया, उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है, खपत कम हो गई है, पहले लोग ज्यादा दूध पीते थे अब पी नहीं पा रहे क्योंकि परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए दूध बच रहा है तो वो ज्यादा बिक रहा, वरना आबादी के हिसाब से हर आदमी को 250 ग्राम दूध रोज देना शुरू किया जाए तो 103 करोड़ की आबादी में एक बूंद दूध भी भारत में बच नहीं पाएगा। ऐसे ही दाल की खपत बहुत कम है, और ये सब इसलिए है कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप देखो मेरे देखते देखते पिछले 10-12 सालों में 3.75 रुपए लीटर डीजल था, मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में देखा है, खरीदा है, आज वो 30 रुपए लीटर है, 7.75 रुपए लीटर का पेट्रोल था, आज 40-42 रुपए लीटर, 1.25 रुपए लीटर का मिट्टी का तेल मैं खरीदता था, आज 10-11 रुपए लीटर है, 35-40 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर मैंने खरीदा है, आज 300 रुपए का।
हर चीज महंगी महंगी महंगी, दवाएं इतनी महंगी, साधारण चीजें महंगी। महंगी होने के सबसे बड़े कारणों में है टैक्स टैक्स और टैक्स।